हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उंगलियां चटकाना कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि हम सभी अपने खाली वक्त में या फिर ज़्यादा थकान महसूस होने पर उंगलियां चटकाते हैं। लेकिन आज हम साइंटिफिकली जानेंगे उंगलियां चटकाने से इसमें से चटकने की आवाज़ क्यों आती है, और मेडिकल साइंस के अनुसार हम जानेंगे कि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना सही है या फिर कितना गलत हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल का निशान बनने पर उस पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। हम सभी अपने खाली वक्त में हो या फिर काम करने के बाद अक्सर अपनी उंगलियां चटकाते हैं। कई बार उंगलियां चटकाने पर घर के बड़े हमें समझाते हैं कि ऐसा करना शुभ नहीं होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस इसको लेकर क्या कहता है। तो मैं बता दूं कि हमारे शरीर के हर ज्वाइंट्स में सिनोवॉयल नामक फ्लूड होती है, और ये फ्लूड हमारे शरीर में वही काम करती है जो काम एक मशीन में ग्रीस करता है। मीन्स ये सिनोवॉयल फ्लूड हमारे शरीर के ज्वाइंट्स को फ्री मूव करने के साथ ही किसी वस्तु को जोर से पकड़ने और ज्वाइंट्स मूवमेंट में मदद करती है। लेकिन बार बार उंगलियां चटकाने से ज्वाइंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने लगती है, और इसी गैस का बुलबुला बनने पर जब हम उंगलियां चटकाते हैं तो इसमें से चटकने की आवाज आती है। एक बार ये बुलबुला फूट जाए तो दोबारा बनने में लगभग 20 से 30 मिनट का वक्त लगता है, और यही कारण है कि एक बार उंगलियां चटकने के बाद चाहे आप कितनी ही बार अपने उंगलियों को मोड़ें, लेकिन उसमें से चटकने की आवाज नहीं आती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्च और साथ ही कई रिसर्च में ये बात सामने आया है कि उंगलियां चटकाना सही नहीं होता, क्योंकि बार बार ऐसा करने से हमारे शरीर के ज्वाइंट से सिनोवॉयल नामक फ्लूड खत्म होने लगती है, और इससे गठिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। लिगामेंट जिससे हमारे शरीर की हड्डियां जुड़ी होती है उसमें भी डिस्टरबेंस आने लगती है, और हाथ में कांपने की शिकायत और जोरों का दर्द जैसी परेशानियां भी बढ़ जाती है। तो बार बार उंगलियां चटकाने वाला प्रैक्टिस हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो जब भी लंबे समय तक काम करने के बाद आप खुद को रिफ्रेश फील कराना चाहें तो आप इस तरीके से रिस्ट मूवमेंट और ऐसे अपने ज्वाइंट मूवमेंट कर सकते हैं। इससे आप रिफ्रेश फील करेंगे, और ऐसा करने से आपको किसी वस्तु को उठाने में ग्रैपिंग पावर भी बढ़ेगी। शरीर के थकान को दूर करने के लिए डेली आप सुबह एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिससे आपके शरीर में एनर्जी का संचार भी बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि उंगलियां चटकाने के ऊपर आपके मन में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। आपके मन में अगर कोई और सवाल हो तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप हमें अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल करके अपने सुझाव भेज सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल का निशान बनने पर उस पर भी क्लिक करें। आगे एक और वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।